देखिए एमसीक्यू टेस्ट में पास होने के लिए संघर्ष ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम बेटर स्कोर कर सकते हैं। ये बातें पीछे करके आ चुके हैं कि हमारे पास, हमें सक्सेस हासिल करने के लिए नॉलेज भी चाहिए, प्लस स्ट्रेटजीज भी चाहिए, वैसे प्लस रिफ्लेक्शन भी चाहिए। जो स्ट्रेटजीज की नॉलेज है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को बेटर कैसे करना है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन को ज्यादा चुनना है, अगर ये नॉलेज आपके पास राइट है तो एप्लीकेशन राइट है तो ये जो रिसर्च वर्क है वो आपको राइट आंसर ढूंढने में हेल्प करेगी, जो आपके 3, 4, 5 स्कोर बढ़ा सकती है जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्ट्रेटजीज पर रिसर्च हुई है वो रिसर्च हुई कहाँ है, वर्ल्ड के इस कोने में हुई है। ठीक, क्या ये पॉसिबल है, ये राइट है? ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि इस वर्ल्ड के इस कोने में जहां रिसर्च हुई है, इस कोने में रिसर्च हुई है तो उसको अप्लाई यहां किया जाए। ठीक, दूसरी बात, क्या जो जैसे ये पहले मैंने बताया है इस वीडियो में, सॉरी इस पीपीटी में देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रॉक ब्रेक्स सीजर ये बुक है जो इंटरनेशनली वर्ल्ड के इस कोने से है, हम अप्लाई यहाँ इंडिया में कर रहे हैं। दूसरी, ये रिसर्च हुई किस पर है, स्कूल्स के एमसीक्यूज 2400 क्वेश्चन लेके उन्होंने एनालाइज किए हैं, कॉलेज के भी लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के भी लिए हैं, तो उनको क्या आप यूजीसी टेस्ट पर अप्लाई कर सकते हो? सभी को कभी भी नहीं। तो इसके अलावा जो उनके पेपर सेटर का माइंड है और हमारे सेटर पेपर सेटर का माइंड है वो अप्लाई नहीं, एप्लीकेशन के लिए ये वो ठीक नहीं है, मैच नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यूजीसी के पेपर को ही एनालाइज करके यूजीसी के पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम अपने बचे हुए वो क्वेश्चन जिनकी नॉलेज नहीं है उनको सॉल्व करना चाहते हैं। दैट इज वाई इस वीडियो में मैंने सिर्फ यूजीसी के पेपर को उठाया है और यूजीसी के सभी पेपर को नहीं उठाया, क्योंकि सभी पेपर का एनालिसिस करके सभी पेपर उन्हीं पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पेपर 1 उठाया है जो कि सभी कैंडिडेट को देना पड़ता है। दूसरी बात कि मैंने सभी मुद्दे नहीं उठाए, सिर्फ एक मुद्दा उठाया है कि जो मुद्दा ये कहा जाता है कि ऑप्शन बी प्रेफर करना चाहिए जब आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो इसका क्रिटिकली एनालिसिस मैंने किया है। वो जो मेथड ऑफ गैस वर्क है डिटेल में है, एक पार्ट है, शॉर्ट वीडियो आप चाहते हो इसलिए इसमें बता रहा हूँ। तो ये हमको पता भी होना चाहिए और पता भी होगा आपको कि यूजीसी को पास परसेंट जो आपके लिए चाहिए 40 मार्क्स चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिलाकर, अगर इनसे कम है जनरल कैटेगरी के तो फिर आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। दूसरा, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसके 35% मार्क्स चाहिए। ये तो पास है लेकिन इससे आप जो है सक्सेस हासिल नहीं हुई आपको। सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कट ऑफ पता होना चाहिए। कट ऑफ क्या है, फॉर एग्जाम्पल हर सब्जेक्ट का वो डिफरेंट है। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 62.67 और 70 JRF के लिए 70 है इकोनॉमिक्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 62 है इकोनॉमिक्स की। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट पर्सन है जिसके इतने मार्क्स थे, जिसका एक मार्क भी इससे कम हुआ वो उसको 6 महीने दोबारा मेहनत करके फिर जाना पड़ेगा। ये लास्ट वाले जो 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स हैं यही सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। इनको आप अच्छी तरह से एनालाइज करके अगर अप्लाई करोगे तो ये मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको मान लीजिए आपके 50% रेड ले लें, 50% आपके ठीक हैं, आपको पता है आपने सही क्वेश्चन कर दिए हैं 50%, और 10 आपने लॉजिकल रीजनिंग या एलिमिनेशन मेथड डिफरेंट लगा के कर दिए और फिर भी आपके पास 40 क्वेश्चन बचे हैं, 40 में से आप चाहते हो कि इसमें से कुछ मेरे ठीक हो जाएं कि मैं कट पॉइंट पर पहुंच जाऊं, ठीक,
तो आपके पास अगर इनका कुछ नहीं है, मान लीजिए आपके पास 30 बचे हैं, मान लीजिए आपके पास 20 बचे हैं, मान लीजिए आपके पास 10 बचे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस है कुछ भी, अगर 10 तक भी बचे हैं, कोई टॉपर भी है उसको भी लगाना पड़ता है गैस, तो क्या वो गैस किस ऑप्शन को प्रेफर करना चाहिए? एक रूल ये भी है, रिसर्च जो कह रही है, जो हमारी रिसर्च नहीं है, फॉरेन की रिसर्च है, पहले बात कर रहे हैं, डेवलप कंट्री में हुई है अप्लाई हम कर रहे हैं, हमारे ऑप्शन के बारे में क्या करी है, अगर फोर ऑप्शन है तो बी को प्रेफर करना चाहिए। और भी कई सोर्सेज हैं जो आपने देखे सुने होंगे, आपके पास नॉलेज नहीं है और ए बी सी डी चार ऑप्शन है तो आपको बी को पहले प्रेफर करना चाहिए, सेकंड नंबर पर सी रखना चाहिए, लेकिन ये साफ रिसर्च कह रही है कि बी ऑप्शन यहां आपको प्रेफर करनी चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि जो पेपर सेटर उनके देश के हैं वो बी ऑप्शन को ए सी डी से ज्यादा राइट आंसर ज्यादा रखते हैं। क्या यूजीसी टेस्ट में ऐसा होता है, क्या पेपर वन में ऐसा होता है, वो आइए देखते हैं, वो एनालिसिस जो कहेगा इससे कंपेयर भी करेंगे और ये जान लेंगे कि क्या सचमुच वो ये जो पेपर हैं, ये मैंने 2019 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ, लेटेस्ट पिछला एग्ज़ाम हुआ है, उसको देखना हर हालत में ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हो कि क्या हर पेपर में बी सी ही बी का उन्होंने कहा है, सी बाकी सोर्सेज जो आपके नॉलेज के हैं वो कह रहे हैं, ठीक। तो ये सॉरी ये गड़बड़ करेगा, ऐसे चलते हैं। ये देखिए इतने क्वेश्चन थे जो पिछली बार फर्स्ट में ये उनकी परसेंटेज निकाली हुई है, 28% जो है ए ऑप्शन है, 30% बी है, 16% सी है और 26% डी ऑप्शन है। इट मींस जो उन्होंने कहा था उसके मुताबिक फर्स्ट प्रेफरेंस पिछले साल गई है बी को, बी की ही गई है 30%, और सेकंड ए की गई है, सी की नहीं गई, थर्ड जो है डी की गई है और लास्ट जो है सी की, फोर्थ सबसे कम। ओके, हम सिर्फ ये देखेंगे क्या बी ही सभी में है। उसके बाद 2018 का ये जो पेपर है उसमें क्या कौन सा सबसे ज्यादा, 34% सी को मार्क किया है पेपर वन में यूजीसी नेट के, को थोड़ा बड़ा करना है इसको, कर लेते हैं ये ठीक है। ओके, तो इसके बाद कौन सा पेपर है, नवंबर 2017 का करेक्ट जो एग्जाम थे ये, फिर डी की, बी नहीं आया यहां, डी आ गया। नेक्स्ट है 2017 जनवरी का पेपर है, इसमें ये देख सकते हैं आप सबसे ज्यादा किसका है, 33, यहां बी आ गया, दो में बी आया है, दो में अलग अलग से आए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पेपर है आपका सी आ रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद दिसंबर 2015 का पेपर, इसमें आ रहा है कौन सा सबसे ज्यादा, 23rd डी आ रहा है, फिर बी नहीं आ रहा। ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जाम, यहाँ आ रहा है ए आ रहा है, ठीक, सबसे ज्यादा। इससे आप कंक्लूजन कुछ निकाल सकते हो, क्या वो उस रिसर्च 2014 का ये है, ये आ रहा है सबसे ज्यादा, ये फिर बी आ गया। तो इनका मैंने एक सेंट्रल टेबल बना रखा है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ यूजीसी नेट पेपर वन, ठीक। तो ये पेपर आप देख सकते हो कि क्या अच्छा रैंक मैंने निकाले हुए हैं, इधर से देखते हैं, ये बल्ब भी ऑन कर ले, नहीं चल रहा, चल रहा है, ओके। ये रहा जून का 2038 का, बी जैसे वो रिसर्च थी, यहाँ बी है, ठीक है। अगर और ऑर्डर भी आपने सेकंड थर्ड फोर्थ देखना है देख सकते हो, फिर उसके बाद सी है, फिर डी है, फिर बी है, फिर सी है, डी है, ए है। तो क्या ऐसा हुआ है कि यूजीसी के फर्स्ट पेपर में हर बार ये देखते हैं, यहाँ थोड़ा साथ में लिखेंगे कि हर बार बी ही ऑप्शन आई हो। इतने पेपर एनालाइज किए गए हैं, सिर्फ 20-25% ऐसा हुआ है कि बी ऑप्शन ज्यादा आई है। इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, एक कि आप वहां की रिसर्च को जो आप
सोर्स आप पढ़ते हो कि तुक्का लगाने के मेथड, साइंटिफिक मेथड ऑफ मेकिंग गैसेज इन एमसीक्यू, एमसीक्यू में तुक्का कैसे लगाएं, तो उसको सीधा अप्लाई आप नहीं कर सकते। ठीक, आप मैं हम ज़्यादा पुराने पेपर एनालाइज मैंने क्यों नहीं किए, और भी थोड़े किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा पुराने से पेपर सेटर का माइंड, हमने तो लेटेस्ट पेपर सेटर जिन्होंने आपका पेपर सेट करना है उनको एनालाइज करना है ना, तो वो तो ये हैं, उन्होंने बी को हमेशा प्रेफर नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनों की मैंने इनकी भी एवरेज निकाली, इनकी एवरेज निकाली, इनकी एवरेज निकाली, अगर ये सारे 2014 तक के पेपर को एनालाइज करना हो तो आपने ये देखिए, थोड़ा छोटा कर लें, ऊपर वाला भी दिखेगा तो आपका, हाँ यहाँ तक ठीक रहेगा। अच्छा, तो दूसरी तरफ देखिए कि कंक्लूजन उनका क्या था, उनका कंक्लूजन था कि बी ऑप्शन जो है वो हमेशा प्रेफर होती है, वो वहाँ अमेरिका में होती होगी ना, इंडिया में यूजीसी के फर्स्ट पेपर पर। ठीक है, अगर यहाँ बी आता तो आप कर सकते थे। हमारा ये कंक्लूजन क्या है, अगर हमने टोटल एनालिसिस की एवरेज निकालनी है, हाँ ये आ रहा है रैंक फर्स्ट 185, जो 700 में से 700 ऑप्शन में से 185 सबसे ज्यादा रैंक वन ये आ रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें अब तक पिछले 2014 तक के, ये सारी वर्डिंग बोल रहा हूँ, अप्लाई करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, 2014 तक के फर्स्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा राइट रिस्पांस डी आया है। ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर कौन सा है, बी सेकेंड, फर्स्ट पेपर में यूजीसी के में सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दूसरे नंबर पर ज्यादा एक्यूरेट होता है, हो रहा होया है, हुआ है। ठीक है, थर्ड पर बी आया है, थर्ड पर, ठीक है, रैंक पर, और फोर्थ पर ए आया है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप गैस वर्क ऐसे ये वाला मेथड अप्लाई करना चाहते हो कि कौन सा ऑप्शन मुझे ज्यादा प्रेफर करना है, ठीक है, तो ये पिछले 2014 से लेके अब तक के यूजीसी के फर्स्ट पेपर का एनालिसिस ये कहता है कि आपको डी प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर प्रेफर करना है, याद रखना है कि और भी साथ में कंसिडरेशन एमसीक्यू को सॉल्व करने की होगी। मैं सिर्फ ये बात इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि आप जो बी बी कह रहे हो और बी, वो बी थर्ड रैंक पर आ रहा है, आपको उसको फर्स्ट रैंक बोल रहे हो, तो फर्स्ट रैंक पर आ रहा है डी, ठीक, और सेकंड पर आ रहा है सी, ठीक, और थर्ड पर आ रहा है बी, और फोर्थ पर आ रहा है ए, सारा उल्टा चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इससे भी ज्यादा, क्या इस ट्रेंड से आप कुछ एनालिसिस, कुछ कंक्लूजन करना चाहते हो कि पहली बार ए आया था, एक पेपर में ए डोमिनेट कर रहा था, काफी काफी क्वेश्चन डिफरेंस भी बहुत है, आप पिछले हिस्से को, इस वीडियो को देखोगे तो। अच्छा, उसके बाद डी डोमिनेट किया है ज्यादा, फिर सी किया है, फिर बी किया है, फिर डी किया है, फिर सी किया है, फिर बी किया है, इससे एक रिजल्ट और निकलता है कि हर बार जो डोमिनेट राइट क्वेश्चन करता है वो हमेशा सेम नहीं होता, फुट स्टेप यहां नहीं है। अगर पिछली बार बी किया है, बी किया है, तो अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है, ज्यादा किसकी है निकाल सकते हैं आप, बी आया है तो इसका मतलब है ज्यादा प्रोबेबिलिटी डी सी और ए की है, अगर इन दोनों को मिला दें तो फिर डी और सी ये ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता इसको अप्लाई करो, मैंने ये कहा है कि रिसर्च ऐसी होती है, मैंने ये बताया है
कि साइंटिफिक मेथड ऐसे अप्लाई होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऐसे होती है, तो इसको इसकी प्रॉब्लम वो अमेरिका की रिसर्च को अप्लाई करने से बेटर है कि इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, वो भी आपका रिस्क है, आपकी मर्जी है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखनी थी और मैंने सिर्फ आपके सामने आपको बताना था कि क्रिटिकल थिंकर कैसे बनना है, एविडेंस से कैसे आपने फर्दर लर्निंग करनी है, और आपने जो इंफॉर्मेशन कभी किसी भी सोर्स से गेन करनी है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो वैलिड है, क्या वो मेरे एक्सपीरियंस से मैच करती है, क्या वो सिचुएशन स्पेसिफिक है, अगर है तो वो अप्लाई कीजिए, अगर नहीं तो आप कॉन्शियस होके उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो दो तीन भी एरर होती हैं तो दो तीन मार्क्स का आपको पता है कट पॉइंट आपकी कितनी बनती है, और आप कितने समय से ये देख लीजिए कि इस एक दो तीन चार मार्क्स के लिए तरस रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो बाकी जैसे बी का ऑप्शन है ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं बता दूं यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रिंसिपल है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल अगर वो सच्चा होता है तो आपके 10-10, 20-20 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये बताना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल क्या होती है, प्रैक्टिकल कितनी होती है, आपको आपके जो सोर्स आप यहाँ से पढ़ते हो जहाँ यूट्यूब है, बुक है, टीचर है, कोई भी है, तो उन्होंने कैसे बताया है, और लास्ट में कैसे बताया है कि आप इन में से एक ऑप्शन 10-15 जो बचे हैं आपके क्वेश्चन उसको एक लगा दो तो आपका ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मैं रिसर्च आपके सामने रखूँगा कि क्या है, तो आप उसके बेस पर नेक्स्ट वो भी देख सकते हो, और एक वीडियो उसके बाद आएगा इक्वल डिस्टेंस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद के फुट स्टेप फुटप्रिंट, ठीक है, फुटप्रिंट क्या हमें फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, वो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू।